हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग कनेक्ट लाइव 2019। तो दोस्तों, मैंने एक इस पर एक सबसे पहले वीडियो बनाया था कि कैसे आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है हमें। उसके बाद मैंने सेकेंड वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि लोकल गाइड्स कनेक्ट जो है उस पर आपको कंट्रीब्यूशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका मतलब सिलेक्शन हो, तो उस पर कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। और ये दोस्तों इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो होगी, जिसमें मैं इसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करूंगा, और मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इन क्वेश्चन के बारे में। मैंने इन पर सारा रिसर्च कर लिया है, ठीक है। तो मेन जो चार पाँच क्वेश्चन है वो ये हैं कि आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी कि ESTA की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपने पहले वीडियो में मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने लोगों को बोला भी था कि अगर आपको पता है तो उसमें कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलो, मैंने इस पे पढ़ लिया है अब जो भी पढ़ना था मुझे, और मैं आपको डिफरेंट इन चीज़ों के बारे में, जैसे हाउ टू मेक वीडियो पोस्ट और लिस्ट, इसके बारे में बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी एज के बारे में बता दूंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा पेमेंट गूगल कितना पे करेगा, क्या पे करेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला डाउट है कि वीज़ा और ESTA। तो देखिए दोस्तों, ESTA होता है वीज़ा वेवियर प्रोग्राम के अंदर आने वाली कंट्रीज़ के लिए ESTA की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो अब वीज़ा वेवियर प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो वीज़ा वेवियर प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, USA जाने के लिए उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द वीज़ा वेवियर प्रोग्राम, और जो वीज़ा वेवियर प्रोग्राम मेंबर कंट्रीज़ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में से रहने वालों में से हैं, तो आपको वीज़ा वेवियर प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं आप, और आपको जो है वो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी ESTA की, ठीक है। तो ये वहाँ पे चूज करने का ऑप्शन है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको ESTA की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप के उस केस में चूज करोगे ESTA अगर आप इन कंट्रीज़ के रहने वाले हो। तो अगर आप इंडिया से हो, जो कि वीज़ा वेवर प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप सिलेक्ट करोगे वीज़ा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला डाउट तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ है कि हाउ टू मेक वीडियो पोस्ट और लिस्ट। तो देखिए दोस्तों, वीडियो कैसे बनाना है उसके लिए मेरे पास एक लिंक है, ये लिंक जो है वो गूगलर्स के द्वारा डाला हुआ है। उन्होंने इस पर सजेस्ट किया कि कैसे कैसे आप बना सकते हो वीडियो को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैं इस लिंक को खोल लेता हूँ, और इसमें जो है वो पांच छह टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं, वो आपको फॉलो करके जो है आप वीडियो बनाओगे तो आपका मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए आप, BritiYM जो है वो गूगलर्स हैं। तो इन्होंने गूगल लोकल गाइड कनेक्ट, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लोकल गाइड्स कनेक्ट में इन्होंने पोस्ट डाला हुआ है। तो मैं इस पोस्ट को पढ़ रहा था, और मैं भी इसी पोस्ट को फॉलो करूँगा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसका ब्रीफ दिखा देता हूँ कि सेलेक्ट वन वीडियो प्रॉम्प्ट, कि आपको जैसा कि पता है कि तीन वीडियो प्रॉम्प्ट हैं, तीन टॉपिक हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको बोलना है। तो एक टॉपिक आप यहाँ से चूज कर लेना, ठीक है। आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ये चीज़ क्या है और ये क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना, लेकिन जो मेन चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि फिल्म इन लैंडस्केप। देखिए ऊपर वाली दोस्तों, देखिए चीज़ें आपको भी पता होगी, लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं जो मैंने गौर करी कि वो स्पेशली ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि फिल्म इन लैंडस्केप। जैसे मैं कुछ वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उन्होंने लोगों ने पोर्ट्रेट मोड में ही वीडियो बना रखा है अपने आप का। तो उस केस में मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको लैंडस्केप में करना है, ठीक है। लैंडस्केप करने का मतलब देखिए, इस पोर्सन में जब आपका स्क्रीन ऐसे होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो पाता है, ठीक है। तो ये लैंडस्केप में कर लेना आप, और उसके बाद सबमिट योर वीडियो केयरफुली में। देखिए क्या है कि आप यूट्यूब पे शेयर कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो को पहले डालो, उसके बाद जब पब्लिश्ड हो जाए अच्छे से वीडियो, उसके बाद उस लिंक को शेयर करो। और शेयर करने से पहले सबसे पहले आप उस लिंक को क्लिक करके खुद से देख लो कि वो लिंक को कोई और भी मतलब क्लिक करके देख सकता है या नहीं, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ इस चीज़ के बारे में बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से आप ये पोस्ट को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। एक बार आप पोस्ट को पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ें दो चीज़ें थी ध्यान रखने वाली वो मैंने आपको बता दिया कि एक तो आपको लैंडस्केप में बनाना है वीडियो, और दूसरा कि आपको वीडियो का जो भी आप लिंक उनको दोगे फॉर्म सबमिट करते समय, उस लिंक को आप वेरीफाई कर लेना कि वो लिंक किस कोई और उसको देख सकता है कि नहीं। पता चले कि आपने कोई प्राइवेट वीडियो डाल दिया, प्राइवेट तरीके से शेयर कर लिया उसको, और फिर आप उस पर क्लिक करो तो कुछ खुले ही ना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखने वाली थी। अब चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा वीडियो के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं अपने पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट के लिए भी मेरे पास ये लिंक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये भी गूगलर्स ने ही डाला है, ठीक है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्या करोगे क्लिक करके अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। तो देखिए ये भी दोस्तों जो लोकल गाइड्स कनेक्ट वाले फॉरम के ऊपर से ही मैंने उठाया है।
तो यहाँ पे आप जैसा कि पढ़ सकते हो इसको अच्छी तरीके से, मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता सकता हूँ। देखिए वैसे तो बी स्पेसिफिक लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको जो बोलना है वो बोलो, फन एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल रखो, ठीक है, टेल ए स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लेन एंड वाई, ये सारी चीज़ें आप कर लेना। लेकिन जो मेन चीज़ है दोस्तों वो ये है कि आपको जो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होते हैं लोकल गाइड्स कनेक्ट पे, तो आपको उसमें से लोकल स्टोरीज वाले टैब्स के अंदर आपको अपना पोस्ट लिखना है, ठीक है, ये मेन चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली थी। बाकी आप इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। तो यहाँ से मैंने दो चीज़ें बता दी आपको, अब हम चलते हैं लिस्ट की तरफ, ठीक है। तो लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को क्लिक करता हूँ, ये लिंक भी जो है वो लोकल गाइड्स कनेक्ट से ही मैंने उठाया है। देखिए दोस्तों इनमें अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये चीज़ मैंने क्लिक किया इस पर और ये यहाँ से खुल गया है। तो इन्होंने लिस्ट के बारे में बताया कि देखिए लिस्ट में क्या करना है कि आपको पहले एक थीम चूज करना है जो आपको पीछे दिखाई देगा लिस्ट के। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है फन एंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये सब लिख देना, ठीक है। ऐड कमेंट्स ऑन ईच फोटो, देखिए दोस्तों जब आप फोटो अपलोड करते हो तो वहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हो आप, फोटो के कमेंट ये बोल सकते हो या कैप्शन बोल सकते हो, उसको आप ऐड कर सकते हो, तो उसको ऐड कर देना आप। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फोटो है, यहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है अच्छे तरीके से। तो आप इसको जो है इसको भी पढ़ लेना आप। तो इन तीन चीज़ों पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा सारा कि वीडियो कैसे बनाए, पोस्ट कैसे बनाए और लिस्ट कैसे बनाए। इन पर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो हमने ये भी कवर कर लिया, हमने ये भी कवर कर लिया। अब आता है एलिजिबिलिटी एज। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले वीडियो में भी अपना बताया था कि इन्होंने साफ साफ एफएक्यू सेक्शन में लिख रखा है कि आपका जो एज है वो 21 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो गूगल लोकल गाइड कनेक्ट जो प्रोग्राम है लोकल गाइड का, जिसपे आप लोकल गाइड बनते हैं स्टार्टिंग में मैप पे, तो वो तो 18 ईयर एज ही है उसका रिक्वायरमेंट। लेकिन इसमें भाग लेने के लिए, कनेक्ट में भाग लेने के लिए आपको 21 ईयर का होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है। अगर आप 21 ईयर के नहीं हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 21 ईयर के नहीं हैं फिर भी हम अप्लाई करना चाहते हैं, या कुछ लोग बोल रहे हैं कि कम लोग वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा है, अगर आपको वैसा कुछ है तो आप कर सकते हो अप्लाई, आपकी श्रद्धा है वो, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जो इन्होंने लिख रखा है मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द एज रिक्वायरमेंट। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि 21 ईयर ओल्ड होने चाहिए आप बाय द इवेंट स्टार्ट डेट। इवेंट स्टार्ट डेट कब है, नवंबर 12 को, तो नवंबर 12 2019 को आपका एज 21 ईयर होल्ड होना चाहिए, ये इन्होंने लिख रखा है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, बाकी मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है कि हु विल पे, गूगल और मी। देखिए दोस्तों मेन बात क्या है कि गूगल जो है वो सारे इवेंट का खर्चा उठाएगी, ठीक है, ये इतना आप ध्यान में रखो। अब बात आती है कि वीज़ा की खर्चा कौन उठाएगा, तो मैं इसका देखिए इसका भी आपको कंफर्म करा देता हूँ। यहाँ से मैंने उनका ही एफएक्यू सेक्शन वाला लिंक उठा के कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हम। ये देखिए, विल यू पे फॉर माई ट्रेवल एंड वीजा वीजा स्टे, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन एंड होटल स्टेज ऑन प्राइमरी अराइवल्स एंड डिपार्चर विद डेट्स डेट्स विल बी अरेंज्ड एंड पेड बाय द गूगल्स, मील्स विल बी कवर्ड बाय गूगल ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, वीजा और एस टी ए फी फॉर वन अप्लीकेशन विल ऑल्सो भी पेड बाई गूगल, हाउएवर अटेंडीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग वीज़ा ऑन देयर ओन। तो इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको खुद से ही अरेंज करना पड़ेगा सारा कुछ, लेकिन पैसे जो है उसका पैसे जो है वो जितने भी आपके पैसे खर्च होंगे वो गूगल आपको दे देगी, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये यहाँ पे समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सारा एक्सपेंस लगभग समझिए कि आपका गूगल ही पे करेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों सारी बातें थी। एक मैं आपको इससे पहले वाले जो 2018 का एफएक्यू सेक्शन का लिंक है वो भी मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, उसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जो पेमेंट है वो गूगल ही करती है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे लिंक जो है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उठा लेना और अच्छे तरीके से पढ़ लेना इन सारी चीज़ों को। देखिए लिखा हुआ है, ट्रेवलिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स बिकम मोर डिफिकल्ट इन द पास्ट ईयर, विल माई कंट्री ऑफ ओरिजिन इम्पैक्ट माई एबिलिटी टू अप्लाई फॉर अटेंड कनेक्ट लाइव। ये एक तो एक ये इसको आप पढ़ लेना एक तो, और एक दूसरी चीज़ ये है कि विल यू पे फॉर माई ट्रैवल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रैवल एंड होटल्स विल बी अरेंज एंड पेड बाय गूगल, हाउएवर ऑल वीजा कॉस्ट मस्ट बी फर्स्ट पेड बाय सेलेक्टेड अटेंडीज एंड दे विल रिसीव एन रीइंबर्समेंट। कहने का मतलब कि अगर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जितने भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो आपको पहले खुद देना पड़ेगा, बाद में जो है वो गूगल आपको पैसे दे देगी, लेकिन अल्टीमेटली गूगल आपको पैसे देगी, चाहे पहले दे या बाद में, लेकिन पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। मेन कंसेप्ट मेन मुद्दा ये है, ठीक है। तो ये 2018 का एफएक्यू सेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर करके, ठीक है।
या 2018 का कनेक्ट लाइव 2018 का FAQ सेक्शन है, उन्होंने उसमें डाल रखा था, और 2019 वाला FAQ सेक्शन भी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो अब मैंने आपको कन्फर्मेशन दे दिया है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट बचा होगा। ठीक है, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। ये सारा का सारा लिंक जो है मैं उठाकर डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करो और अच्छे तरीके से पढ़ो इसके बारे में, और जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं भी जो है वो 2-4 दिनों के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस पर मैंने पहले भी 2 वीडियो बना रखे हैं, आप वो भी देख लो। 3 वीडियो देख लोगे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इस पे कनेक्ट लाइव 2019 पे, और आपको कोई डाउट नहीं बचेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।